नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। बजरंग बली और प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा से आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ झाड़ू के आसान उपाय के बारे में, और इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान और सटीक तरीका बताऊंगा और एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मालामाल हो सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको झाड़ू से रिलेटेड क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ये सब बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए और हम तक, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं झाड़ू के उपाय के बारे में, कैसे आप उससे धन संबंधी सभी। दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय इतने शक्तिशाली व चमत्कारी होते हैं कि जिन्हें करते ही परिणाम देखने को मिलता है। जिस प्रकार से कुछ खास मंत्र होते हैं जो कि चमत्कारी होते हैं, जिन्हें करते ही सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। जिस प्रकार से वशीकरण मंत्र होता है जिसे याद करते ही सामने वाला व्यक्ति वशीभूत हो जाता है, उसी प्रकार हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो कि अपने आप में ही चमत्कारी और विशेष होते हैं, जिन्हें करते ही परिणाम देखने को मिलते हैं। इन उपायों को कर देने मात्र से ही धन का आगमन शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये परेशानी रहती है कि वे जीवन में जितना भी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन धन उन्हें मिल ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताएंगे, एक बार इसे अपना कर देखिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको पूरे उपाय की जानकारी हो सके। एक बार इस उपाय को अपना करके देखिए, निश्चित रूप से ही धन का आगमन शुरू हो जाएगा, परेशानियों का हल कर सकते हैं। जी हाँ, मैं उसी झाड़ू की बात कर रहा हूँ जिसका यूज आप अपने घर में करते हैं, जिससे आप अपने घर की सफाई करते हैं। वह कैसे आपको धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा दिला सकती है, कैसे आपके घर में खुशियाँ भर सकती है, और इन उपाय को करने से कभी भी आपके पैसों की तंगी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और हमेशा आपके पास पैसे बने रहेंगे और आप पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो सबसे पहले हम एक आसान उपाय के बारे में बात करते हैं। आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको मार्केट में जाना है। आपको सबसे पहले मार्केट में जाकर झाड़ू खरीदनी है। झाड़ू खरीदते समय एक बात का ध्यान रखना है, आपको जो झाड़ू खरीदनी है वह सीख वाले झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको खरीदनी है फूल वाले झाड़ू, जिसे कुछ जगह पर हम फूल वाले झाड़ू कहते हैं या फिर कुछ जगह पर इसे मोर वाली झाड़ू भी कहते हैं। फूल झाड़ू यानी कि वह झाड़ू जिससे आप अपने घर में मार्बल को साफ करते हैं, फर्श को साफ करते हैं, और उसी की फोटो हमने आपके सामने लगाई हुई है। आपको यह वाली झाड़ू खरीदनी है। और एक बात और, आप जो झाड़ू खरीदते समय आपको क्वालिटी में कोई भी कंजूसी आपको नहीं करनी है। आपको जो झाड़ू अच्छी मिले वह झाड़ू आपको खरीदनी है। आपको अच्छी से अच्छी झाड़ू और बिना कंजूसी किए हुए अच्छी झाड़ू खरीदनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यह उपाय आपको करना है उसका किसी भी दिन की शाम, आप शुभ मुहूर्त में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आपको वह झाड़ू शाम के समय मंदिर के चबूतरे पर चुपचाप रख कर चले आना है। चबूतरे पर रख कर वापस मुड़कर नहीं देखना है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, किसी को भी इसके बारे में आपको नहीं बताना है। जब ये उपाय आप करेंगे तो इस उपाय के बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे। इस तरह से आप इसे एक गुप्त दान भी कह सकते हैं। अब यह झाड़ू जिस किसी की भी किस्मत में होगी या जिसकी किस्मत में जो झाड़ू आप मंदिर में रखकर आए हैं, यह झाड़ू जिस किसी भी किस्मत में लिखी होगी उसको मिल जाएगी। चाहे वह कोई गरीब इंसान हो या फिर मंदिर में पुजारी हो या व्यक्ति जो उस मंदिर में कार्य करता हो, जिसे भी यह झाड़ू मिल जाएगी। परंतु आपको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि उसे झाड़ू उस झाड़ू को कौन लेकर गया है या किसको वह झाड़ू मिली है। वह तो बस गुप्त दान करना था आपको। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब आप यह गुप्त दान करें तो उसके बारे में परिवार के किसी भी सदस्य को इसके बारे में आपको चर्चा नहीं करनी है। आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, कोशिश करें कि जो आप घर में के पास छोटा मंदिर है उसके चबूतरे पर चुपचाप रख दें, क्योंकि उस मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं होगी तो कोई आपके इस उपाय के बारे में आपको नहीं जान पाएगा, आपसे नहीं पूछेगा, और ना ही कभी आपको कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करते वक्त देख पाएगा। तो आप यह उपाय करें, यह आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप ये गुप्त दान कर देते हैं तो बेहतर है कि परिवार के सभी सदस्यों से झाड़ू का आप हाथ लगवा लें। यदि आप सदस्यों से झाड़ू पे हाथ लगवाते हैं तो आप घर के सदस्यों को यह बात बता सकते हैं। लेकिन आपको यही बात है
कि आपको यह बात किसी भी अन्य सदस्य को आपको नहीं बतानी है जिसका आपने हाथ नहीं लगवाया है। आप उन्हें पहले से ही बोल दे कि मुझे इसके संबंधित कोई भी सवाल न पूछे। अगर आपको लगता है कि आप गुप्तदान नहीं कर सकते तो आप किसी छोटे बच्चे को इस झाड़ू को मंदिर में रखने के लिए कह दे। छोटा बच्चा मंदिर में जाकर झाड़ू रख कर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके घर या बाहर कोई गरीब इंसान मिलता है उसे भी आप झाड़ू दान कर सकते हैं, परंतु इससे बेहतर यही है कि आप मंदिर में गुप्त दान करें। यह सबसे सरल और अचूक उपाय है। ऐसा करने से आपके जितने भी बुरे समय हैं वे सब खत्म हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएंगी और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर रहेगी। इसके साथ ही हम और भी कुछ उपाय के बारे में चर्चा करते हैं। अब आपको क्या करना है, आप अपने घर में यह उपाय, जब अपने घर में आप झाड़ू मारने जाएं तो आपको क्या करना है, आपको वह पुरानी झाड़ू बाहर करनी है या जिस दिन आप यह उपाय करना चाहते हैं, जैसे आप इस उपाय को आज करना चाहते हैं तो आज जो भी काम मैं बोलता हूं वह करें। जैसे आपके घर में पुरानी झाड़ू है आप उसको बाहर फेंक दें और उसके बाद आपको एक नई झाड़ू लानी है। इस उपाय को भी करते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि आपके घर में हो सकता है तीन झाड़ू हो और तीन पोछा हो, अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग झाड़ू हो, तो आप ऐसा ना करें कि सारी झाड़ू बाहर फेंक दे। आपको यह उपाय सिर्फ एक झाड़ू के साथ करना है तो आपको सिर्फ एक झाड़ू लेकिन लेकर के आनी है। इस उपाय में आप कोई भी झाड़ू यूज कर सकते हैं, या तो सीख वाले झाड़ू या फिर आप जैसा कि हमने आपको बताया था कि फूल झाड़ू आप यूज कर सकते हैं। तो यह उपाय आपको सिर्फ एक झाड़ू के साथ करना है और अपने घर, उसके बाद आपको ये झाड़ू अपने घर में रोज लगानी है। इससे आपके घर में धन वर्षा होने लगेगी और आपको कभी भी पैसे की तंगी नहीं होगी। जो यह उपाय मैंने बताया है ये बहुत सरल उपाय है और इससे आपको बहुत आसानी से धन लाभ हो सकता है और आसानी से आप ये उपाय कर सकते हैं। तो अब हम दूसरे उपाय के बारे में कुछ खास बात करते हैं, कुछ खास बात जान भी लेते हैं। अगर हमारे द्वारा झाड़ू के बताए हुए उपाय से आप मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कभी भी झाड़ू की किसी प्रकार से निंदा नहीं करेंगे। इससे आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। यदि अच्छे से मान सम्मान नहीं दिया जाए या झाड़ू पर पैर रखा जाए, झाड़ू की निंदा की जाए, अनादर किया जाए या कुछ भी इस तरह का गलत काम आप करते हैं तो यह सब आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि यह सब दुर्भाग्य का प्रतीक होता है और यह सब आपके घर में ही नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको कहीं बाहर चले जाए तो वहां पर भी आपको झाड़ू का खास ख्याल रखना चाहिए, वरना इससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह सब करने से झाड़ू का अपमान होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर कभी भी नहीं होती है तो कभी भी झाड़ू को आपको बुलाना नहीं चाहिए, कभी भी झाड़ू का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उसके ऊपर आपको पैर रखना चाहिए। एक बात का और आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको सूर्य अस्त के बाद कभी भी झाड़ू का यूज नहीं करना है। गलती से भी आपको गलती से भी झाड़ू को अपने को हाथ नहीं लगाना चाहिए। जिस तरह सूर्य अस्त होता है उसी तरह से आपकी तकदीर भी अस्त हो जाती है। अगर आप शाम के समय झाड़ू पोछा लगाते हैं तो हमारे पुराणों में कहा गया है कि सूर्य अस्त के बाद झाड़ू नहीं लगाने चाहिए। इसलिए सूर्य अस्त के बाद ना तो झाड़ू लगाए। एक बात का ध्यान रखें, जब आप घर में झाड़ू फेरे तो वह गीली नहीं होनी चाहिए। किसी भी जगह पर जहाँ पर गीला हो वहां पर आपको झाड़ू ना फेरे। अगर आप ऐसी जगह पर झाड़ू करते हैं तो हो सकता है कि आपके घर में धन वर्षा ना हो या फिर थोड़ी कमी आ जाए। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है कि शाम के समय आपको झाड़ू नहीं लगाना है, आपको इसे अपने पैर से टच नहीं करना है और गीली जगह पर झाड़ू नहीं लगानी है। पर काफी सारे दोस्त मुझसे बोला है कि आपको सपने में झाड़ू दिखाई देती है। अगर आपको सपने में झाड़ू के दर्शन हो जाते हैं तो इस बात का संकेत है कि आपको अनहोनी हो सकती है। अगर ऐसा भी आपको सपना दिखा है तो इसके लिए मैं आपको आसान उपाय बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको लक्ष्मी माता या जो भी आपका इष्ट देवी देवता है या जो भी आपके प्रिय देवता है उनके सामने आपको अपनी गलती स्वीकार कर लेनी है, उनके लिए आपको क्षमा मांगनी है, या फिर जो भी गलती आपको याद है जो आपने गलती कर दी है तो उनके लिए आपको उनसे क्षमा मांगनी है। उनके सामने आपको एक दीपक जलाना है और एक दिया जलाने के बाद उनसे बोले, हमसे जो भी गलती हुई है, जो भी हमसे गलती हो चुकी है उसके लिए हमें माफ कर दे, उस गलती का पछतावा है। तो इससे आपके बुरे सपने का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अक्सर काफी लोग जब आपकी झाड़ू पुरानी हो जाती है तो उसे वे चेंज नहीं करते हैं। आपको जब भी
आपकी झाड़ू पुरानी हो जाए तो उसे चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पुराने झाड़ू को अगर आप इस्तेमाल करते रहते हैं तो वह भी अच्छी बात नहीं होती है। जैसे आपकी झाड़ू पुरानी हो जाए, टूट जाए, तो आप उसे चेंज कर देना चाहिए, यानी कि आपको झाड़ू को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें, या फिर जो भी देवी देवता को आप मानते हैं उनके नाम से जरूर लिखें, जैसे जय माता दी, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय या कुछ भी। और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि आज मैंने आपको झाड़ू से रिलेटेड उपाय बताए हैं। और दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल के बटन को जरूर दबाइए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देव में जाते धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।